इस मूवी की शुरुआत में हमें हॉलीवुड को दिखाया जाता है जहां पर बर्ड नाम का एक आदमी वहां के एक घर के अंदर पूल की साफ सफाई कर रहा होता है और यहां पर बर्ड अपने कपड़े चेंज करता है और एक दूसरे घर के अंदर घुस जाता है और यहां पर बर्ड अपनी शॉटगन निकाल लेता है। दोस्तों दरअसल बर्ड कोई पूल साफ करने वाला नहीं था, वह वैम्पायर हंटर था और वह वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकाल लिया करता था क्योंकि वैम्पायर्स के दांत काफी महंगे होते हैं और इन्हीं दांतों को बेचकर बर्ड पैसे कमाया करता है। घर के अंदर घुसने के बाद बर्ड वहां पर एक दरवाजे के बीच में एक वायर लगा देता है ताकि कोई वैम्पायर अगर वहां से भाग कर आए तो उसका उस वायर की मदद से गला कट सके। लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है जो कि बर्ड को पूछती है कि वह उसके कमरे के अंदर क्या कर रहा है। लेकिन तभी बर्ड अपनी शॉटगन से उस बूढ़ी औरत को शूट कर देता है। लेकिन दोस्तों वह बूढ़ी औरत मरती नहीं है क्योंकि वह एक वैम्पायर होती है और वह तुरंत फिर से खड़ी होकर बर्ड पर हमला कर देती है। दोस्तों यहाँ पर बर्ड और उस बूढ़ी औरत के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है और काफी मुश्किल के बाद, काफी मशक्कत करने के बाद बर्ड उस बूढ़ी औरत का गला काट ही देता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि वैम्पायर्स को केवल गला काटने के बाद ही मारा जा सकता है। यहाँ पर बर्ड उस बूढ़ी औरत को मारकर उसके दांत निकालने वाला होता है तभी पीछे से एक और वैम्पायर आता है, लेकिन वह उसी दरवाजे से अंदर घुसता है जिसके ऊपर बर्ड ने वायर लगाया होता है और उस वायर की वजह से उस वैम्पायर का भी गला कट जाता है। अगले सीन में हमें ऑडरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक वैम्पायर होती है और वे एक जगह पर कई सारी बिल्डिंग्स, कई सारे घर बना रही होती है और वे ऐसा इसीलिए करती है ताकि वे सभी वैम्पायर्स को वहां पर बसा सके। अब यहां पर ऑडरी सभी वैम्पायर्स को यहां पर इसीलिए बसाना चाहती है क्योंकि सभी वैम्पायर्स रात को एक सीक्रेट हॉल के अंदर रुकते हैं और ये नहीं चाहती कि कोई भी वैम्पायर रात को छुप कर रहे, इसलिए वे यहां पर घर बना रही है और उन्हें बेच रही है। यहां पर वो एक अपने ही साथी को मार डालती है जिसके साथ वे पहले पार्टनरशिप करना चाहती थी लेकिन उसने मना कर दिया, इस वजह से वह उसे उसी बिल्डिंग के नीचे चुनवा देती है। अगले सीन में हमें बर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने रेंट के घर में जाता है और वहां पर जाने के बाद वे एक अजीब सी चीज को नहाते वक्त अपनी बॉडी पर लगाता है ताकि कोई भी वैम्पायर उसे सूंघ ना सके। इसके बाद बर्ड अपनी बेटी की स्कूल में जाता है उसे लेने के लिए और बर्ड को देखकर उसकी बेटी काफी खुश होती है। दोस्तों दरअसल बर्ड ने अपनी बीवी को यह नहीं बताया था कि वह वैम्पायर हंटर है और बर्ड काफी ज्यादा झूठ बोला करता था, इस वजह से उसकी बीवी ने बर्ड को छोड़ दिया। यहां पर बर्ड अपनी बेटी को एक आइसक्रीम कॉर्नर में ले जाकर वहां पर आइसक्रीम खिलाता है और उसके बाद अपनी बेटी को वह अपनी वाइफ के घर पर, यानी कि उसके एक्स वाइफ के घर पर छोड़ देता है। अपनी एक्स वाइफ के घर जाने के बाद बर्ड की एक्स वाइफ बर्ड से पूछती है कि आखिर वह इतना लेट कैसे हो गया। इस पर बर्ड कहता है कि वह पूल साफ करने के लिए चला गया था, वह काफी बिजी था। लेकिन यहाँ पर बर्ड की बीवी कहती है कि उसके इन्हीं झूठों की वजह से आज उसने उसे छोड़ दिया है। और दोस्तों बर्ड की वाइफ का नाम जोस होता है और जोस यहाँ पर बर्ड को कहती है कि वह इस घर को बेच रही है ताकि वह अपनी माँ के पास चली जाए और वह अपनी बेटी को भी वहां पर साथ में ले जा रही है। और दोस्तों जोस की माँ का घर फ्लोरिडा अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर बर्ड जोस को साफ साफ मना कर देता है कि वह वीकेंड तक सारे पैसों का इंतजाम कर देगा और उसे छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जोस बर्ड से कहती है कि तुम इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करोगे, लेकिन बर्ड उसे कैसे भी समझा कर वहां से चला जाता है। इसके बाद में बर्ड एक शॉप के अंदर जाता है जहां पर वो उन्हीं वैम्पायर्स के दांतों को बेचने की कोशिश करता है जिनको उसने मूवी के शुरुआत में दो वैम्पायर्स को मारकर निकाले थे। यहां पर बर्ड अंदर जाता है और वहां मौजूद अपने दोस्त से उन वैम्पायर्स के दांतों की डीलिंग करता है, लेकिन यहां पर बर्ड का दोस्त इन वैम्पायर्स के दांतों के लिए केवल $800 देने के लिए तैयार होता है और इतने कम के लिए बर्ड नहीं मानता और वह कहता है कि यूनियन वाले इन दांतों के और भी ज्यादा पैसे देंगे। इस पर बर्ड का दोस्त कहता है कि तब तो तुम्हें यूनियन ही जाना चाहिए इन दांतों को बेचने के लिए। दोस्तों यूनियन एक सीक्रेट वैम्पायर हंटर एजेंसी होती है जो कि अपने एजेंट्स को बेचती है वैम्पायर्स को मारने के लिए और उनके दांतों को इकट्ठा करने के लिए। यहां पर बर्ड अपने दोस्त को दो वैम्पायर्स के दांतों को बेच देता है और साथ ही वह अपने जूते और अपने गन को भी बेच देता है और बर्ड ये सब कुछ अपनी बेटी की फीस भरने के लिए करता है। अगले सीन में हमें ऑडरी को दिखाया जाता है जो कि उसी बूढ़ी औरत के घर में जाती है जिसे कि मूवी की शुरुआत में बर्ड ने मार दिया होता है और यहाँ पर ऑडरी उसे मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा हो जाती है। इस वजह से ऑडरी यहाँ पर अपने एक साथी को कहती है कि वे जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर लाए जिसने ये सब कुछ किया है। उसके साथी को यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा मिलता है जो कि बर्ड के सीने में लग गया था और उस पर बर्ड का खून होता है। उसका साथी उस खून को सूंघ कर यह कहता है कि इससे उसे ढूंढने में आसानी होगी। अगले दिन बर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने एक पुराने फ्रेंड जॉन से मिलता है जो कि यूनियन का एक एक्स मेंबर होता है और यहाँ पर बर्ड जॉन से कहता है कि वह उसे यूनियन में फिर से काम दिलवा दे। इसके बाद जॉन बर्ड को अपने साथ यूनियन में ले जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूनियन को एक शॉप के अंदर सीक्रेट तरीके से बनाया गया था। जॉन यहाँ पर बर्ड को उसके बॉस के पास ले जाता है और उसे बर्ड को एक और मौका देने के लिए कहता है। शुरुआत में तो उसका बॉस नहीं मानता लेकिन बाद में वह बर्ड को फिर से यूनियन में शामिल करने के लिए मान जाता है, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि ये इसका आखिरी मौका है। यहाँ पर बर्ड का बॉस बर्ड को डे शिफ्ट देता है जबकि बर्ड नाइट शिफ्ट मांगता है,
लेकिन उसे डे शिफ्ट के साथ ही काम चलाना पड़ता है। इसके बाद बर्ड अपने पास उन वैम्पायर्स के बचे हुए दांतों को बेचने के लिए कॉर्नर पर चला जाता है। वहां पर बर्ड सेठ नाम के एक लड़के को अपने वैम्पायर्स के दांत बेचता है, जिसके बदले उसे काफी पैसे मिलते हैं। लेकिन सेठ उनमें से आधे से ज्यादा पैसों को वापस भी ले लेता है, क्योंकि बर्ड पर पहले का काफी सारा कर्ज था। तभी उसका बॉस वहां पर आ जाता है, जो कि बर्ड को कहता है कि ये तुम्हारे साथ फील्ड में काम करेगा, यानी कि अब इन दोनों को एक साथ काम करना होगा। इस वजह से बर्ड को काफी गुस्सा आता है। वहीं सेठ भी फिर से अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि वे फील्ड में काम नहीं कर सकता, और यहाँ पर सेठ काफी घबराया हुआ होता है। लेकिन उसका बॉस कहता है कि अगर उसे प्रमोशन चाहिए तो उसे फील्ड में काम करना ही होगा। दरअसल हकीकत में तो उसका बॉस जो है वह बर्ड को कैसे भी फिर से निकालना चाहता है, इसीलिए वह सेठ को उसके पीछे लगा देता है, ताकि जैसे ही बर्ड कोई रूल तोड़े सेठ उसे बता दे और वह उसे यूनियन से बाहर कर दे। अगले सीन में सेठ बर्ड के अड्डे पर जाता है, जहाँ पर बर्ड हथियार बना रहा होता है, जिन हथियारों की मदद से वह वैम्पायर्स को मारता है। यहाँ पर सेठ काफी घबराया हुआ होता है और वह बर्ड को कहता है कि वह पहली बार फील्ड में उतर रहा है। लेकिन बर्ड कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बाद में ये दोनों निकल जाते हैं एक बेबी वैम्पायर का शिकार करने के लिए, और यहाँ पर बर्ड और सेठ ये दोनों एक बेबी वैम्पायर का पीछा करते हैं, जो कि कुछ बिल्लियों को अपने साथ ले जा रहा होता है। दरअसल दोस्तों बेबी वैम्पायर इंसानों का खून नहीं पी सकते, इसीलिए वे बिल्लियों का खून पीकर काम चलाते हैं। और यहाँ पर उस बेबी वैम्पायर का जब ये दोनों पीछा करते हैं तो ये एक पुरानी सी जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंदर जाने से पहले बर्ड सेठ को कार में ही रुकने के लिए कहता है और अकेले ही अंदर चला जाता है उन वैम्पायर्स को मारने के लिए। दूसरी तरफ हमें ऑड्री को दिखाया जाता है, जो कि उसी शॉप के अंदर जाती है जहाँ पर सबसे पहले बर्ड अपने वैम्पायर्स के दांतों को बेचने गया था। यहाँ जाने के बाद ऑड्री वहाँ मौजूद बर्ड के दोस्त से वहाँ मौजूद वैम्पायर्स के दांतों में से एक दांत को पहचान कर उसके बारे में पूछती है, लेकिन बर्ड का दोस्त उसे कुछ भी नहीं बताता। इस पर ऑड्री उसे कहती है कि पहले तो वे वैम्पायर्स को भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन अब ये उन्हीं से गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन अब ये लोग वैम्पायर्स को मार रहे हैं और उनके दांतों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिस वजह से अब उनकी प्रजाति खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। और इसीलिए ऑड्री यहाँ पर यह भी कहती है कि वह इसका बदला जरूर लेगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि बर्ड का दोस्त बर्ड का नाम ऑड्री को बता देता है। इसके बाद ऑड्री उसे वहां पर जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ बर्ड काफी सारे वैम्पायर्स को मार देता है, लेकिन तभी एक वैम्पायर उस पर भारी पड़ जाता है और उसकी गन को लेकर दूर फेंक देता है और उस पर हमला जारी रखता है। तभी सेठ अंदर आ जाता है और बर्ड यहाँ पर सेठ को कहता है कि वह हमला करे उस वैम्पायर पर। यहाँ पर बर्ड सभी वैम्पायर्स को मारकर उनके दांतों को निकाल लेता है। इसके बाद में बर्ड और सेठ दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सेठ काफी ज्यादा डर गया था, जिस वजह से उसने अपनी पैंट में ही सुसु कर दी थी। इसके बाद में बर्ड अपने रेंट के घर में जाता है, जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है, जो कि उसे बताती है कि वह यहाँ पर नई नई शिफ्ट हुई है। यहाँ पर बर्ड उस लेडी की मदद करता है और वह लेडी उसे बताती है कि वह एक नर्स है। अगली सुबह बर्ड सेठ को लेने जाता है, जहाँ पर बर्ड को उसकी डायरी मिल जाती है, जिसके अंदर सेठ ने बर्ड की सारी कंप्लेंट्स लिखी हुई थी। ये देखकर बर्ड काफी गुस्सा हो जाता है और वह सेठ को कहता है कि अगर वे यूनियन के रूल्स के हिसाब से चलते तो वे सभी मारे जाते। इसके बाद में बर्ड सेठ को लेकर उसी शॉप के अंदर जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त को ऑड्री ने मार दिया होता है। ये देखकर बर्ड को काफी बुरा लगता है, लेकिन वह वहां से अपनी गन को लेकर तुरंत निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर सेठ इसकी सूचना यूनियन को करने की जिद करता है और वह बिल्कुल भी नहीं मानता। इस वजह से बर्ड को काफी गुस्सा आता है और बर्ड यहाँ पर सेठ को बता देता है कि अगर उसने यूनियन को इसकी खबर दी तो उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए उन लोगों को अभी तुरंत जाना होगा। वह सेठ को कहता है कि अगर तुम्हें यूनियन को बताना है तो 24 घंटे बाद बता देना, और यहाँ पर सेठ बर्ड की बात समझ जाता है। रात को बर्ड जब अपने घर जा रहा होता है, तब उसकी जो नई पड़ोसी होती है, यानी कि वे जो नर्स होती है, उसके घर में एक अजीब सा आदमी आकर लड़ाई कर रहा होता है। और जब बर्ड खिड़की के पास आकर खड़ा होता है तो वह आदमी खिड़की पर पर्दा लगा देता है। अगली सुबह बर्ड को यह खबर मिलती है कि वैली के अंदर बहुत सारे वैम्पायर्स छिपे हुए हैं, इसीलिए बर्ड सेठ को लेकर वैली के अंदर चला जाता है वैम्पायर्स को मारने के लिए। और यहाँ पर इनकी दो और हंटर्स से मुलाकात होती है, जो कि वैम्पायर्स को मारने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, और ये दोनों वैम्पायर्स हंटर काफी फेमस भी होते हैं। और यहाँ पर ये लोग आपस में प्लान बनाते हैं और एक साथ मिलकर इन वैम्पायर्स को मारने का डिसाइड करते हैं। और इसके बाद में ये एक घर में घुसते हैं, जहाँ पर दो बच्चे, जो कि असल में वैम्पायर्स होते हैं, वे गेम खेल रहे होते हैं और इन दोनों को ये मार देते हैं। लेकिन तभी उस घर में से बहुत सारे वैम्पायर्स निकलते हैं, जिनको बारी बारी से ये सभी मार देते हैं। और यहाँ पर बहुत कमाल के फाइट सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ये सभी मिलकर 100 से ज्यादा वैम्पायर्स को मार देते हैं और उनके दांत निकालने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सेठ पर एक वैम्पायर ने हमला कर दिया होता है, जिस वजह से यहाँ पर भी सेठ दोबारा से अपनी पैंट में सूसू कर देता है। इसके बाद बर्ड अपनी बीवी के घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी उस घर को बेच रही है। इस पर बर्ड कहता है कि अभी भी एक सप्ताह पूरा होने में 3 दिन बाकी है। इसके बाद में बर्ड अपनी बेटी को लेकर एक बर्थडे पार्टी में जाता है, जहाँ पर वह उसी आदमी को देखता है जिसको उसने आखिरी रात को अपनी पड़ोसी के घर में देखा था। और उस आदमी को देखकर बर्ड समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी बर्ड को ऑड्री का कॉल आता है और ऑड्री बर्ड को बताती है कि उसने
ने उसकी बेटी को उससे छीना है और अब ऑड्री बड को कहती है कि अब वह उससे उसकी बेटी को और उसकी बीवी को छीनेगी और वे घुटनों के बल बैठकर उससे अपनी बीवी और बेटी की जिंदगी की भीख मांगेगा। इसके बाद में बड अपनी बेटी को लेकर अपनी कार में बिठा देता है और उसके हेडफोन लगा देता है और उसके हाथ में टेबलेट दे देता है और उसे गेम खेलने के लिए कहता है और यहाँ पर वह उस आदमी को जान से मार देता है। इसके बाद में और भी ऑड्री के बहुत सारे आदमी बड का पीछा करने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर बड किसी तरह से बचकर अपने घर निकल ही जाता है। लेकिन जैसे ही बड अपनी बेटी को लेकर अपने घर में जाता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि ऑड्री के आदमियों ने पहले ही उसकी बीवी को बंदी बना लिया होता है और यहाँ पर बड की बेटी को भी उसके आदमियों ने पकड़ लिया होता है। यहाँ पर बड की बीवी काफी कंफ्यूज होती है, इसीलिए जोस यानी कि बड की बीवी बड को पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर बड जोस को कहता है कि मैंने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, मैं कोई स्विमिंग पूल साफ करने वाला नहीं हूँ बल्कि मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और मैंने तुमसे अभी तक सैकड़ों झूठ बोले हैं और क्योंकि मैंने बहुत सारे वैम्पायर्स का शिकार किया इस वजह से ये सभी लोग इस चीज का बदला लेने के लिए आए हैं और यहाँ मौजूद ये सभी वैम्पायर्स है। यहाँ पर ऑड्री बड को कहती है कि उसने उसकी बेटी को मारा है इसलिए अब वह उसकी बेटी को वैम्पायर में कन्वर्ट करेगी और उसकी साइड कर लेगी और उसे फिर उसकी माँ का खून पिलाएगी, जिससे फिर बड को ये एहसास हो सके कि किसी को खोने के बाद कितना दुख होता है। बड यहाँ पर सेथ को भी देखता है जिसे कि उन लोगों ने काट लिया होता है और वे वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। इसके बाद में वे लोग बड को बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद बड और सेथ दोनों को एक साथ होश आता है। यहाँ पर सेथ जब उठता है तो वह एक अलग ही फील करता है और जब वह आईने में अपने दांतों को देखता है तो वह गायब हो जाता है और वह थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगता है और वह कहता है कि उसे भूख लगी है और प्यास लगी है और यहाँ पर सेथ बड पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर बड सेथ का गला काट देता है और इससे बड को काफी बुरा लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेथ फिर से हिलने लगता है यानी कि वह अभी भी नहीं मरा होता और वह खुद ही अपने सिर को अपने ऊपर रख लेता है। इसके बाद में बड सेथ को लेकर अपनी कार से अपने रेंट वाले घर में निकल जाता है क्योंकि उसे उसी नर्स पर शक होता है जो कि उसके पड़ोस में रहती है। वहां जाने के बाद बड सीधा अपनी गन लेकर उस नर्स के घर में घुस जाता है जहां पर वह उससे फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन सब बेकार रहता है क्योंकि वह लड़की भी एक वैम्पायर होती है। लेकिन यहां पर वह बड को नहीं मारती बल्कि वह बड को समझाने की कोशिश करती है कि ऑड्री यही करती है, उसने मेरे साथ भी यही किया है और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। और यहां पर ऑड्री सेथ को खून देती है जिसे पीने के बाद सेथ का गला ठीक हो जाता है और वह ऑटोमेटिकली ही उसकी बॉडी से जुड़ जाता है। इसके बाद में ये तीनों मिलकर तैयार हो जाते हैं और ऑड्री के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे अनगिनत वैम्पायर्स होते हैं। लेकिन ये तीनों मिलकर यहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स को मार देते हैं लेकिन काफी सारे वैम्पायर्स को मारने के बाद भी यहां पर वैम्पायर्स की कमी नहीं होती है। इस वजह से ये तीनों एक चीज के पीछे छिप जाते हैं और यहां पर इन्हें लगता है कि अब इनकी हालत खराब होने वाली है। तभी यहां पर एंट्री होती है जॉन की और यहाँ पर जॉन मशीन गन लेकर आता है जिसकी मदद से वे सभी वैम्पायर्स को उड़ा देता है। इसके बाद में यहाँ पर वे नर्स यानी कि वे लड़की उन सभी को टनल में जाने का रास्ता बताती है जहाँ पर की ऑड्री और बाकी सारे वैम्पायर्स छिपे हुए हैं। इसके बाद में वह लड़की और सेथ दूसरे रास्ते से जाते हैं वैम्पायर्स को मारने के लिए और जैक और बर्ड दूसरे रास्ते से जाते हैं उन दूसरे वैम्पायर्स को मारने के लिए और यहाँ पर जैक फिर से अपनी मशीन गन का यूज करके सारे वैम्पायर्स को उड़ा देता है। और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारे हथियारों को देखते हैं, बहुत सारी गन्स को देखते हैं जिनकी मदद से वैम्पायर्स को मारा जाता है। लेकिन देखकर इन दोनों को हैरानी होती है कि आखिर कोई वैम्पायर्स को मारने वाले हथियार ही क्यों बनाएगा। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ ऑड्री का साथी ऑड्री को बताता है कि उसे गंध आ रही है, इस वजह से उसे लग रहा है कि बर्ड अपनी गैंग को लेकर यहाँ पर आ चुका है। इस वजह से ऑड्री अपने साथी को कहती है कि वह जाकर उसे संभाले। जॉन और बर्ड टनल में घुस जाते हैं और बहुत सारे वैम्पायर्स को मारते मारते आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर काफी सारे वैम्पायर्स को तो ये लोग मार देते हैं लेकिन फिर भी वैम्पायर्स की कमी नहीं होती है और यहाँ पर पीछे से एक वैम्पायर जॉन के गले पर काट लेता है जिस वजह से जॉन को काफी दर्द होता है। इस वजह से जॉन बड को गेट के दूसरी तरफ भेजकर गेट को बंद कर देता है और वह कहता है कि वह उसकी चिंता ना कर, वह वैम्पायर्स को संभालेगा, तुम जाकर अपनी फैमिली को संभालो। इसके बाद बड अपनी फैमिली को बचाने के लिए चला जाता है। वहीं जॉन गोलियों से वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है लेकिन जल्द ही जॉन की सारी गोलियां खत्म हो जाती है लेकिन वैम्पायर्स खत्म नहीं होते। इस वजह से अब जॉन अपनी शर्ट खोलता है और हम देखते हैं कि जॉन ने अपने ऊपर बॉम्ब लगा रखा होता है और यहां पर जॉन उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑड्री का साथी बर्ड को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है लेकिन तभी वहां पर वे लड़की और सेथ आ जाते हैं जो कि ऑड्री के साथी से लड़ने लगते हैं और वे बर्ड को कहते हैं कि वे जाए और अपनी फैमिली को बचाए, वे उसे संभाल लेंगे। इसके बाद बर्ड ऑड्री के अड्डे पर चला जाता है जहां पर उसकी बीवी और बेटी होती है और यहां पर ऑड्री पर बर्ड शूट करता है लेकिन ऑड्री इतनी ज्यादा पावरफुल और फास्ट होती है कि वे गोली से बचकर बर्ड को धक्का देती है और हवा में ही 2-3 बार पटक कर मार देती है। दूसरी तरफ सेथ और वह लड़की ऑड्री के साथी को मार रहे होते हैं और उसके दोनों हाथों को खींचकर उसे वहां पर जान से मार देते हैं।
वहीं दूसरी तरफ ऑड्री बर्ड को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है और यहाँ पर बर्ड को वे जान से मारने ही वाली होती है। तभी पीछे से बर्ड की वाइफ यानी कि जॉस ऑड्री के सीने के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा देती है, लेकिन इससे भी ऑड्री की जान नहीं जाती। अब यहाँ पर बर्ड अपनी सिल्वर बुलेट से ऑड्री को शूट करने वाला होता है क्योंकि सिल्वर की मदद से वैम्पायर को मारा जा सकता है, लेकिन ऑड्री इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वह उस गोली को अपने दांतों से ही रोक लेती है। और यहाँ पर बर्ड पूरी तरीके से हथियार डाल देता है और वह वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। और तभी यहाँ पर ऑड्री बर्ड की तरफ तेजी से बढ़ती है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ऑड्री बर्ड के पास पहुंचती है तो उसका गला कट जाता है क्योंकि बर्ड ने जस्ट अपने सामने दरवाजे पर वह वायर लगा रखा होता है जिससे कि वह वैम्पायर्स को मारा करता है। इसके बाद में बर्ड अपनी बीवी और बेटी को लेकर वहां से निकलता है और उसे सैद और वे लड़की मिलती है जो कि उससे कहते हैं कि उन्होंने ये जंग जीत ली है। और यहाँ पर बर्ड की बेटी उन वैम्पायर से काफी डरती है, यानी कि उस लड़की और सैद से काफी डरती है, लेकिन यहाँ पर बर्ड कहता है कि डरो मत, ये अच्छे वाले वैम्पायर्स है। यहाँ पर बर्ड को जॉन की टोपी मिलती है जिसे कि वो सैद को दे देता है और वह सैद को कहता है कि जॉन बहुत बहादुर था जैसे कि तुम हो, इसीलिए ये टोपी तुम रखो। इसके बाद में सैद, वह लड़की और बर्ड और उसका परिवार उस टनल से बाहर निकल जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि यूनियन का बॉस वहां पर आया होता है और अपने लोगों के साथ वहां पर आया होता है और वह यहां पर बर्ड को यूनियन से बाहर निकाल देता है क्योंकि बर्ड ने बहुत सारे रूल्स को तोड़ा होता है। लेकिन यहां पर सैद उसके बॉस को रूल्स गिनाने लगता है और कहता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके बाद में यहां पर बर्ड सैद को कहता है कि अब ये दोनों पार्टनर्स है और एक साथ मिलकर वैम्पायर्स को मारा करेंगे। इसके बाद में सैद और वह लड़की अपने घर चले जाते हैं। वहीं बर्ड की बीवी बर्ड को कहती है कि तो ये झूठ था जो कि वे उसे छुपा रहा था, तो अब उसने उसके सारे झूठ माफ किए और अब वे दोनों एक साथ रह सकते हैं। इस वजह से बर्ड अब काफी खुश होता है क्योंकि उसे अपना परिवार फिर से मिल गया होता है। इसके बाद में मूवी की एंडिंग के अंदर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि नाले के अंदर से बाहर निकलता है और यहाँ पर जॉन सुट्टा मारते हुए कहता है कि उसे ये जॉब बहुत ज्यादा पसंद है। और दोस्तों इसी के साथ डे शिफ्ट मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस कमाल की मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में।